Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कलम जब दरहमों दीनार में तोले गए थे, कहां तक दिल की चिंगारी तेरे शोले गए थे। जो सड़कों पर निकलने को बुरा कहते थे पहले, वो फिर सड़कों पे खुद ही मामले को ले गए थे। दिल का साया हम साया सतरंगी रे है, देख रहा हूं कब से माली तंगी रे। यही शिकवा यही नाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। हाय हाय इस कदर सादगी। तशरीफ ला रहे हैं वासिफ चौधरी। हम सब की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज तो आप तीनों माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और आप भी आज 14 अगस्त कुछ पहले ही या बाद में आपने आज का मेरी बारी है। हुण ये ना सोचना कि तुसी मोटरसाइकिल ते बैठे वन व्हीलिंग करोगे तो पीछे डिग पोगे। यार माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा कम से कम 11,000 तोते रगड़े हैं तो ये फ्राक बना। एक तोते नु यरकान हो गया सी, वो बच गया जी। बात सुनिए, इस सारी ज्यादती में आप लोगों ने ये जो एक बात की कि फ्रॉक तो आप क्लियर तो करें बीबी के ये क्या है। पेप्लम टॉप। पेप्लम टॉप। पेप्लम टॉप इसको कहते हैं, तो फ्रॉक नहीं है ये, यानी कि क्लियर हो गया आप लोगों को। हाँ जी पेप्लम टॉप इंग्लैंड तो ले आए, अगर तुसी लेना है तो लंडे जो 30 रुपए का मिल जाएगा। उस बेचारी की डिजाइनर कपड़ों का आप ये क्या हाल कर रहे हैं। शुक्र करो अंग्रेजी बोलन दे बच्चे दे नाले, ते उस फैमिली तो बिलोंग करदा। इन्होंने टेलीफोन आदमी ना एक्सीडेंट का कि तुहाडे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया, तो आपा खुशी खुशी जाता। शुक्र है अंग्रेजी च साडा भी कुछ होया। वैसे मुझे ये बताइए कि खवातीन को सबसे गिला क्या होता है अपने शोहरों से। खामद ने घर वड़ना, उन्होंने दुपट्टा बन के इतो शुरू हो जाना। आपने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। सच सच बताएं, बाथरूम में आप गए थे, सारे तकिए तोड़ मरोड़ के आपने बर्बाद कर दिए हैं। आपके भाई इतने अच्छे हैं, आप इतने बेवकूफ़ क्यों हैं। आपने यकीन नहीं है। आपको खामद कहने लगा मैं एंकर होकर झूठ बोलूँगा। खास तौर पे जो गुला होता है वो ये होता है कि मेरे घर वाले जो बच्चों को पैसे दे के जाते हैं, आप क्यों रख लेते हैं। मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं, इस घर में मेरे पहनने के लिए कोई अच्छा कपड़ा नहीं है। मुझे तो जैसे यहाँ के लोग बिल्कुल फजूल चीज समझते हैं। हाँ बाहर से पतली लड़कियां देखे थे ना, इसलिए आपको मैं मोटी लग रही है। अगर आपका किसी के साथ रिलेशन है तो मुझे बता दे, मैं तो घर मरा जावा है। तो मैं फिर अपने आज के पहले मेहमान को बुलाते हैं। एक कमाल बात इनके बारे में यह है कि पाकिस्तान में ट्रक आर्ट पिछले कुछ सालों में बहुत मशहूर हुआ है। और ट्रक्स के ऊपर एक चीज़ जो बहुत नुमाया रहती है वो रहती है उनके पीछे बनी हुई एक तस्वीर। अगर आप गौर करें तो पिछले 20-30 सालों में सबसे ज़्यादा तस्वीर जो कि हमें देखने में आई वो मरहूम सदर जनरल अयूब खान साहब की थी। और उनके बाद जो तस्वीर हमें देखने में बहुत ज़्यादा मिली पाकिस्तान के ट्रक्स के ऊपर, वो हमारे आज के मेहमान की है। उसकी वजह उनकी आवाज़ है जो कि आज भी पाकिस्तान की शनाख्त है। आप सब की तालियों में द वन एंड ओनली अताउल्लाह खान इसखेलवी साहब। पता लग गया कि उन सर्दियां आ गई ने। यार रुकते जाओ यार। लाला जी साड़ी जान। अगला मेहमान लाला जी की जान है। अच्छा जी। जी हाँ, और लाला जी का साथ देने के लिए हमने बुलाया है इनके फर्जंद अर्जुमन, जिन्होंने अभी कोक स्टूडियो के अंदर एक बड़ा जबरदस्त गाना किया है लाला जी के साथ। आप सबकी तालियों में जनाब सांवल एसाखेलवी। एक शेर है जी सर, वो पहले भी मैंने पढ़ा है, लेकिन उसके लिए कुछ फरमाइशें आई हैं जी। तो उन फरमाइशों के लिए कि छुआरे सुख सुखा गए हैं। वाह वाह। छुआरे सुख सुखा गए हैं, मुरुंडे मुड़ मुड़ा गए हैं, और टमाटर टिमटिमा गए हैं, क्योंकि आज मजाक रात में सांवर और लाला अताउल्लाह एसाखेलवी आ गए हैं। लेकिन मैं आज वाकई अदबी शेर जी सर लाला जी वास्ते, जिसने जो कहना है उसे रोको ना, कहने वाले कहते हैं। अरे वाह वाह, क्या कहते हैं लाला जी, हम लोगों के दिमाग में नहीं दिलों में रहते हैं। वाह वाह वाह, आपके लिए शेर अर्ज है। हुक्म सर। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। और इस शेर के अंदर आप ये देखेंगे खामोशी कितनी थी, माशाल्लाह। और सब ऐसी बात है भी पूरे शेर में सांस भी नहीं लिया, क्योंकि जी सर मेरे अशार भी नमाजी हैं। अरे वाह, मेरे अशार भी नमाजी हैं, इनसे कायम है बंदगी मेरी, और आपसे बस यही गुजारिश है, मांग लें मुझसे जिंदगी मेरी। मैं कैसर पे गया, तुसी मैंने बल्कीस समझिया जे। ये लाला, इतनी आपने खुली ऑफर जो करा दी इनको, ये कोई खास वजह इसकी? इनसे मेरी मोहब्बत बहुत पुरानी है, निस्बत पुरानी हो जाए तो फिर चीज़ों की कोई अहमियत नहीं रहती। पहले तो आपको मुबारक हो के माशाल्लाह इस जिम्मेदारी से आप सुबकदोश हुए। बस अल्लाह की करम नवाजी, इन सीनियर्स की दुआओं में इसने कमाल दिखा दिया। पिछली बार आप हमारे शो पे आए थे तो आप एक सिंगल बैचलर लड़के थे, आज आप आए हैं तो बहुत कुछ तब्दील हो चुका है, तो कैसी लग रही है ये तब्दीली? हाँ जी, अब्बू भर की सिंगिंग करनी है, उनकी शादियाँ नहीं करनी है। ये आपने बड़ी लेट मुझे दी है एडवाइस, ये पहले देनी चाहिए थी आप। शादी पसंद की है? जी बिल्कुल पसंद की है। तो हाउ हैज बीन द एक्सपीरियंस नाउ? चेंज है लाइफ में, बिल्कुल अच्छा, पॉजिटिव चेंज है। क्या चेंज आया? चेंज ये स्टेबिलिटी है, इमोशनली फोकस है एक काम पर, एक काम करना है उसको फोकस बढ़ जाता है उसको लेकर। लाला, बच्चा तो बड़ा माशाल्लाह खुश है और बड़ी पॉजिटिव चीज़ें निकालनी हैं, तो क्या टिप दिया आपने शादी से पहले इसको? भाई ये ज़िंदगी इनकी थी, अब इन्होंने गुजारनी है, मैंने कोई उस दरमियान में कोई दीवार नहीं खड़ी की। अपनी पसंद से इसने इंजीनियर बना, अपनी पसंद से इसने म्यूज़िक चुना, अपनी पसंद से इसने शादी की, तो यकीनन इसे खुश होना चाहिए। हमारे दौर में तो एक सिस्टम होता था कि उससे बाहर नहीं जाना, आज का सिस्टम ये है। आजकल तो माशाल्लाह इन्हें पूरी आज़ादी हासिल है। जो बंदे गड्डी चला रहे अपनी बीवी कहने, क्या बात है, तीसरी दफ़ा मारी हो, खैर तो है। सामल, ये वाली स्टेज आई है या नहीं? मैं तो खौफजदा हो गया हूँ। खौफजदा हो गए तो खान साहब, वो बच्चा डरा हुआ है, वो कह रहा है नहीं डरेगा, मेरा बच्चा है, मेरा भतीजा भी है, मेरा भांजा भी है। पुत्र ऐनक तू वक्त तो पहले ला ली ना, तू इतना पढ़े आप प्रोफेसर लग रहे नहीं। यार अला ये बताइए, जो अभी अमानुल्लाह साहब ने बात की, आप इससे एग्री करते हैं? मेरे उस्ताद हैं वो। मुझे लगता है कोक स्टूडियो के अंदर बड़ा ज़बरदस्त हुआ आपका डेब्यू। थैंक यू। और वालिद साहब साथ कैसा रहा? बहुत मुश्किल था। वालिद साहब जब लाइन ख़त्म करते थे तो मुझे अगली लाइन कहनी पड़ती थी, तो उसकी फील बरकरार रखने के लिए मैं जिस तकलीफ़ में से गुजरता था मुझे पता है। ये है कि मुश्किल काम है बहुत, मगर अल्लाह पाक इज़्ज़त देने वाला है, रास्ते बनाने वाला है। मगर वैसे लाला, कभी कभी लगता है कितना अकेला लड़का गाना गा लेता और उसी के ज़रिए डेब्यू करता। आपके साथ जहाँ एक फ़ायदा है गाना गाने का कि आपको आई बॉल्स तो मिल जाते हैं देखने के लिए, क्योंकि वो अताउल्लाह खान एसाखेल्वी को देखना चाहते हैं, मगर साथ ही साथ अब आपको मैच किस तरह करे आवाज़ के अंदर इंसान? मेरा ख्याल है कि इसने अच्छा निभाया है। नहीं, वो तो माशाल्लाह उसने निभाया, मगर इतना मुश्किल मरले से क्यों गुजारा बेचारे को? मैंने तो शुरू से कोशिश की कि इसके लिए आसानियाँ पैदा करूँ एक बाप होने की हैसियत से, लेकिन उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उस प्रोसेस से ना गुजरता तो कुंदन नहीं बनेगा। जो दर्द आपका एक सिग्नेचर है, जो कि आपने लास्ट में कहा था कि गले के अंदर अल्लाह ने दे दिया हुआ है, बिल्कुल उसमें ये क्वालिटी है कि मुझसे मैच नहीं करता। अगर मुझसे मैच करता तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए अच्छा ना होता। दादा क्योंकि होता तो है कि यार इतना वालिद साहब के गले के अंदर दर्द है और उसका एक पीछे एक हिस्ट्री है, एक आपकी पूरा एक सफ़र है ज़िंदगी का। जिस तरह आपने खुद बताया था कि होटल में काम करने से लेके ट्रक से लेके मेहनत जितनी की और उसके बाद आप जाके माशाल्लाह अताउल्लाह खान एसाखेल्वी बने हैं, तो यार ये इस दर्द का कोई शॉर्टकट तो है नहीं, तो ये क्या करेंगे? अभी शादी की है, हो जाएगा। लाला का एक जो अपना काम करने का अंदाज है वो और है, उसमें मैं जा नहीं सकता क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे एक डिफरेंट एबिलिटी, डिफरेंट वोकल टेक्सचर सब कुछ मुख्तलिफ दिया है। तो मैं अपने तस्कीन के लिए करता हूँ, मैं इस वजह से नहीं करता हूँ कि पीछे से एक लेगेसी, हालांकि मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है या उसकी इज्जत का और उसका सोचना है, मगर इस वजह से मैं नहीं करता। लाला, आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ पे हमारे साथ हिना, हमारी नई को होस्ट हैं और ये आप ही के इलाके से हैं। मुझे मिली है मेरी बेटी, अल्लाह इसे सलामत रखे। वाह वाह वाह, क्या बात। तो उनको यकीन दिलाए ना कि आप उसी इलाके से, मैं भी बोली जा रहा हूँ कुछ। हाँ जी, मैं मियाँ अली चो, मैं इन्होंने पहले मिली हाँ शो तो पहले मैंने कोलू गई हाँ गल्ला शना की मैंने तो तारुफ ना अपना करवाया, मैं अपना करवाया पता ना दसा लाहौर च राने ते थोड़ियां वो गल्लां थईयां कोई ऐसा इतनी गप्पा शप्पा कोने लाईयां। इन्हां नु दसया सूट दा नाम दसया की सी? हां, ये सूट का नाम प्लीज बता दी जो आपने। ए वल्ले दा मेरा सूट दा पे मजाक उड़ेने, ठीक है मेरा मांगा किदे हुन मेरे तो लाई चाई वेने। ठीक है, ए पेपलम टॉप है आधे केश पाई। लाला जी पेपलम टॉप है गरीबां दे बच्चेयां दे फोड़ियां ते लाईदा। पेपलम टॉप इश्क तो एक करिश्मा है, फसू है, यूं है न तो इंसाफ यहाँ पर न सकूं है, यूं है एक मुद्दत से करप्शन का है बाजार गरम और ऊपर से मईशत दिगरगू है, यूं है कर्ज पे कर्ज लिए जाते हैं ये तो डीजे, काम पे इनके नहीं रिंगती जू है, यूं है सारे बोलो इतों ही 150 मिलता हूँ। लाला मैंने 500 देगा। अच्छा, ये कैसे पता तुम्हें? ट्राई करो। मैंने इन्होंने चेहरे तो पता लग गया। लग गया? अच्छा। Baby, good. I'm very upset today. Why? You know, I got a big wedding event last day. Yesterday. That yesterday. हाँ. उठे मेरे नाल कुत्ते खानी हुई, बड़ी मेरी बिस्ती हुई उठे। क्यों? मेरे को लो बेवकूफी हो गई। That was a big marquee. अच्छा। उठे 3-4 हजार लोग। अच्छा। बड़ा big event सी उठे। हाँ। बस मैं उठे कितने गजल छेड़ बैठा। इधरों मैं गजल शुरू की थी है। उधरों छित्रों की बारिश शुरू हो गई। उन्होंने मैंने चपेड़ा भी मारिया, कसूने भी मारे, एक बंदे ने ते मैनू टक्कर भी मारी। उसे मैनू बड़ी सट वजी, मैं थोड़ा बेहोश हो गया। उन्होंने फिर पानी सुट के मैनू होश दवाया। अच्छा। होश च लिया के मारिया फिर। यार मगर तुम्हें किसने कहा था कि तुम गजल गाओ? नहीं, गजल का नहीं सी मसला। दैट वाज ए वन उथे एक लफ्ज दी गड़बड़ हो गई। वो क्या सुनाया किसी? वो मैं गजल सुनाई उथे, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। ओ वोटी का नाम जिंदगी सी यार। माशाल्लाह चाचा देख लो जी, मैं टपड़ी नचोड़ी होंगी यार। आई एम सॉरी अबाउट दैट। हमारे पास बहुत एक बड़े सिंगर बैठे हुए हैं जो कि मास्टर हैं इन सब कामों के। ओ माय गुडनेस, ये मेरे उस्ताद ने, ये मेरे रूहानी उस्ताद ने, अताउल्ला खान एसाखेलवी। इमरान खान माय फेवरेट मैन। जदों आएगा इमरान, करेंगे तेरा जान, बनेगा नया पाकिस्तान। इन्हां दा गाना सुपर हिट होया। बिल्कुल। जदों तुसीं उत्थे गांदे सो, मैं उत्थे डांस करदा सी। अच्छा। और लोकी पैसे सुट्टे सन, नाचे तो भी मैं पैसे कटे। जदों तक तुसीं उत्थे रहंदे सो, बस उन्हें दिना जी मैं राज के रोटी खादी। तुसी मैंने अपना शगिर्द रख लो 200 रुपए रोज ते। मैं थोड़े वाजे साफ करांगा, जुतियां साफ करांगा। 200 शगिर्द तू देगा या मैं देगा? मैं तो उन्हें गाना सिखावांगा ना। नहीं तो सॉरी अबाउट दैट। ओ मेरे को मिस, मैं थोड़े कोलो गाना भी सीख लांगा। मैं तो उन्हें ऑडिशन देना, जे तुसी मैंने पास कर दिता ते फिर मैं हो सकता फ्यूचर बना लवां, नहीं तो मैं फिर वापस जाके ते उथे प्राइम मिनिस्टर दा इलेक्शन लड़ांगा। अज होना दीदार माहीदा, अज होना दीदार माहीदा, अज होना इतों ही 150 मिलता है, लाला मैंने 500 देगा। अच्छा ये कैसे पता तुम्हें? ट्राई करो। मैंने इन्होंने चेहरे तो पता लग गया। लग गया? अच्छा मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हें आज 500 मिलेंगे। नहीं, मैंने डिफेंस वाले कार्ड का भी पता है। जिन जान सदके वो कहते ने जिन जान सदके ते जान रहन दो 500 दियो। मैं शामिल दा सदका लावा 500 रुपया जे मैंने दे देन ते। मगर मजे की बात है कि मिल नहीं रहे आपको इन सब। नहीं वो गड्डी च पए ने मैंने पता। सियाना आदमी सियाना आदमी। ओके सी यू थैंक यू। आई एम रियली बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू। अल्लाह कुछ आप कोई रिक्वेस्ट करें, कोई गाने की रिक्वेस्ट लाला जी वो सुना दें। कौन सा? वो जरा दिल लगाया था दिल लगी। वेलकम बैक टू मज़ाक़ रात। अताउल्लाह साहब आपने गाना गाया था जब आएगा इमरान पीटीआई के लिए, उस वक्त मुझे याद है काफ़ी एक ज़्यादा जो एंथम्स थे पीटीआई वालों ने इंट्रोड्यूस कराया मुख्तलिफ सिंगर्स के, मगर आज 4-5 साल बाद ये एक ऐसा गाना जो कि एक आइडेंटिटी बन चुका हुआ है। जिस दिन ये बात हुई 2013 के इलेक्शन से पहले तो मैं इसकी माँ बैठी थी, मैं था, तो मैंने इनसे पूछा कि यार इमरान खान, मैं उसका फ़ैन भी हूँ, उसका बहुत कुछ हमारा और बड़े अरसे से काम कर रहा हूँ मैं उनके साथ, मैंने कहा मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। इसकी माँ ने कहा तू एक सिंगर है, उसके लिए एक तराना टाइप कोई चीज़ बना दी। तो उस वक्त मेरे अंदर तहरीक शुरू हुई। फिर ये मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं बहुत पुराने, जिनका मैंने बहुत सारा कलाम गाया है। मजहर नियाज़ी साहब को मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे पास एक धुन है, इस धुन पे तो मुझे तराना लिख दो इमरान खान के लिए। उसने कहा मुझे 2 दिन 3 दिन दो, मैं लिख देता हूँ। उसने 3-4 दिनों में दे दिया। फिर मैंने वो रिकॉर्ड किया और फिर मैं और सांवल गए खान साहब के पास। सांवल को मैंने कहा सीडी प्ले कर दो। उन्होंने एक दफ़ा सुना, दूसरी दफ़ा सुना, तीसरी दफ़ा सुना, बहुत खुश हुए कि तुमने तो मेरा पूरा मंशूर अपने इन 4 अंतरों में बयान कर दिया। तो जब उनको पसंद आ गया तो उन्होंने बहुत बड़ी ऑफर मुझे की। मैंने कहा जी आपकी तरफ से हो गई, आपने जो अप्रिशिएट किया तो मैं समझता हूँ कि मुझे मेरा सिला मुआवजा मिल गया। मुझे लगता है अब सबसे ज़्यादा गाना एक्चुअली आइडेंटिटी है ही वो पीटीआई की। जहाँ भी मैं जाता हूँ, अब शादी ब्याह पे जाता हूँ या कोई कमर्शियल शो में जाता हूं तो लोग फरमाइश करते हैं कि ये गाने। अच्छा इस गाने की फरमाइश अब शादियों पे होती है? मैंने कहा भाई मैं यहाँ नहीं सुना सकता। एक कंटेनर के लिए मुख्तस है, ये कंटेनर पे चल सकता है, मेहंदी पे इस पे डांस नहीं हो सकता आपके जब आएगा इमरान तो। कोई नून लीगी में ना बैठे हो। बिल्कुल नहीं, सही बात है, शादी में तो हर कोई आता चलेगा। फिर कोक स्टूडियो में जो गाना सब माया है कुछ थोड़ा चेंज किया था आपने इसके हिसाब से? सांवल माशाल्लाह मैं काम करता हूँ तो मैं मेरी कोशिश होती है मेरे करीब बैठे, क्योंकि मैं इसका उस्ताद नहीं हूँ, मैं अभी आप खुद सीख रहा हूँ। मुझे अभी भी ये नहीं पता होता कि मैं क्या गा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ बैठता है शोज में भी वैसे भी। तो मैं इसे ये कहता हूँ कि तुम ज़रा ध्यान से सुनो, वहाँ से इसने पिक किया, वहाँ से पिक किया। तो हाँ। क्या ख्याल है अगर हम भी वो कोक स्टूडियो वाला सुन लें सब? Ready, 1, 2, 3, 4. मैं अफजल और निर्गोली चौका सब दे। ओ यार आज मैं थोड़े प्रोग्राम में आया तो थोड़ी बड़ी मेहरबानी भी किसी को पता ना लगे। क्यों? ओ मैं एक रौला कर आया वो क्या अपना मोहतरम जनाब इमरान खान साहब जतोई साहब नहीं इमरान खान साहब इमरान खान साहब उन्होंने मैंने फोन है बनी गाला तो अच्छा बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा मैंने कहने कम टू यू तो बनी गाला अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा मैं कहा सर सवेरे सवेरे मैं नहीं आ सकता। वो चुकी है क्यों? क्योंकि बड़ी प्रैक्टिस करते ने वो चुकी एथलीट ने ना वो सवेरे सवेरे करते ने वाक नाल उन्होंने 35 किलो वजन चुकया होंदा 10-10 किलो ते लत्तां नाल बन लैंदे ने। मैं उन्होंने कहा भी जिन्ना वजन तुसीं चुकदे हो उन्ना वजन ते मेरा अपना है। मैं कितने एक्सरसाइज करता फिर नाले मेरिया नाले लत्तां कमजोर हो गई ने पुलिस मुकाबले कर करके। मैं कहते यार हालात बड़े खराब ने बिल्कुल खामोशी है ते तुसीं दो ही ते मेरे बेस्ट फ्रेंड हो यानी लाला अताउल्लाह खान एसाखेलवी ते मियां अफजल निर्गोली। आहा उन्होंने पिछे गमगीन गाने लाए हुए सन। अच्छा ते मैं उन्होंने बहाना किया मैं क्या सर मैं नैब वाले नाल ड्यूटी कर रहा हालांकि नैब वाले तो मैंने जानते ही नहीं मैं उन्होंने बहाना किया अगो मैं कहते हैं कि नैब के विच तू ना उत्थे कोई ऐसा बहाना कर कोई ऐसा पॉइंट लभ के फिर धरना देइए। अच्छा हुण मैं दस नहीं सकता मैं की दसा उन्होंने क्योंकि मैं कि तुहाडे नाल मशवरा करा क्योंकि तुसी ते एडे ज़हीन भी नहीं बिल्कुल ये दस थोड़ा मैं किवें उन्हां को जान छुड़ावां यार। ये तो मुझे नहीं पता कि तुम उनसे जान कैसे छुड़ाओगे मगर तुमने गलत किया क्योंकि उनके जो बेहतरीन दोस्त हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह और यार एडे अच्छे मेहमान आते ने ते वायरलेस भी नहीं करता मेरे को वायरलेस है नहीं अल्लाह दे बंदे सियासी जो लोग आ जाते हैं फौरन थानू कहना ते ऐसा अजीम हस्तियां होंगे ना ते माशाअल्लाह अताउल्लाह कासमी साहब दे बड़े अच्छे दोस्त ने। हाँ हाँ इन्हें मोहतरम अताउल्लाह शाह बुखारी साहब दी किताबां पढ़िया ने बड़े नेक आदमी ने अपने बड़े बड़े गुलकोस ने पाकिस्तान दे गुलूकार मोहतरम जनाब अताउल्लाह खान एसाखेलवी साहब जी माशाल्लाह ओ बोल सांवल एडा कौंदा सी नहीं ज्यादा छोटा हो गया हाँ एडा कौंदा सी मैं इन्होंने घर जाना और एडा ने मैं चाचू जी चाचू जी चाचू जी चाचू जी करके मेरे मगर मगर भजना। अच्छा तो माशाल्लाह दिनों के जवान हो गया दाढ़ी भी निकल आई और उन्हें रख भी ली खैर ना लाए ने गेस्ट है बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा मैं समझा किधर जाना नहीं तो अपना वैगन उड़ीक रहे नहीं मैं छाटावांगा मेरे को और ले आओ डाला अबे नहीं यार तू थाने ले जाएगा नहीं ऐसी गल नहीं थाने से उन्हें कोई नहीं वड़न देना जी फोकी यार मैं लेनी किसके साथ अपना सांवल मोड़ मारां दे नाल सर इजाजत है लाले नाल मेरी बड़ी फोटोआं तुहाडे नाल एक फोटो लेनी माशाल्लाह। किसके साथ पूरा आना चाहेंगे इनमें से रीमा मीरा या फिर नरगिस? रीमा। अगर मैं इस लिस्ट के अंदर सायमा जी का नाम डाल दूं तो फिर मैं उसके साथ जाऊं। वेलकम बैक टू मज़ाक़ रात। जी हिना कोई अजीबो गरीब सुनाइए ना और जरा सराइकी में होना चाहिए आज तो। आज मैं सराइकी में ही सुनाऊंगी। जी जी जाहिर बात है आज तो सराइकी बनती और मैं चाहूंगी लाला मैं चाहसा कि तुसा डेरी में खबर पढ़िए उस तू बात तुसा रसाए कि तुन समझ आइए ते तुन किने लगी है खबर ठीक है केड़ी खबर जी पहली डेरी खबर है ना वो इटली दे एक डिजाइनर दी है जिथे एक डिजाइनर एक ऐसी जर्सी बनाई है डेरा मौसम बदल दे ना और अपना रंग भी बदल दिए ठीक है अगर चिल्ला सियाला आ गया तो जरा रंग बदल वैसी ठीक है उसकी हूँ कीमत भी बहुत ज्यादा क्योंकि इतनी उसके खसूसियात है ना अपने रंग बदल दिए उसकी डेरी कीमत है ना लगभग 1,82,000 है। वाह जी वाह पहले गिरगट रंग बदलता सी स्वेटर भी बदल रहा है सोचे तब्दीली आ नहीं रही आ गई है जैकेट में वही पाई लाला जी वो स्वेटर ते गल्ला भी करता जे मसलन क्योंकि पान लगे तो क्या कहते ना पहले ना फिर पाना ही ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੋਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵੈਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਠ ਜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫ੍ਰਿਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਸਵੈਟਰ की तबीयत भी सियासतदानों जैसी है यानी वोट लेते हुए और रंग जीतने के बाद और रंग हारने के बाद और रंग और मिनिस्ट्री आ जाए तो और रंग इनको कोई काम कह दो कि ये करने वाला फिर और रंग मुझी डेरी खबर है और मेडागास्कर चुए जिथे ना एक ऐसा त्यौहार मनाया वेंदा बहुत ही वखरे किस्म दा अगर कोई छोर है तो उस एक छेर नाल शादी करनी है ना उसनू राजी करण तू पहले उसकी रजामंदी तू पहले ओ बैल नाल रेसलिंग करे सी अगर तो बहादुरी नाल वो मुकाबला जीत वेंदा है तो डेरी छेर ते हाथ रखे सी उसकी शादी थी वैसी। हाँ जी मंगड़ी दा तो पता कोई नहीं पहले ओदा मनका टुटदा जे फिर ओदा लक टुटदा जे फिर जाके किते मंगनी टुटदी जे। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें आप मेडागास्कर में नहीं पैदा हुए वरना 4 दफा बैल से लड़ना पड़ता बड़ी वैसे अजीब बात है कि आपको बैल से लड़ना पड़े क्यों सावल? ये तो मैं ये सुन के मैं खौफ सदा हूँ कि कहीं अमानुल्लाह अंकल और मेरे फादर अगली टिकट पे पहुँच ही ना जाए वहाँ पे जी तो 2020 का सिलसिला सावल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा कोई ऐसा मौका है जहाँ पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाहते या जी, अगर जी, आप डिप्लोमेटिक होए तो आप जनरल नॉलेज का सवाल चूज कर सकते हैं। तो ये बताइए कि इनमें से किसके साथ डुएट करना चाहते हैं आयमा बेग मोमिना मुस्तहसन या मीशा शफी? मोमिना। क्यों? टैलेंटेड आई थिंक शी इज। ले जी फिर आप बाइक पे जा रहे हैं ठीक है सुनसान बेआबान सड़क लंबी सी क्यों घरों काटता किसी ने बाइक पे जा रहे हैं आप जी जी। और आप देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं तो इनमें से किसको आप लिफ्ट देना चाहेंगे अगले आधे पौने घंटे के लिए मैं विशयात माहिरा खान या फिर सुहाय अली अबड़ो। मैं विश ना करना, मोटरसाइकिल भी विक जाना तो बाजा भी विक जाना। तीन नाम लूंगा जी और तीन सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन है कि बहुत अच्छे हैं, दूसरी सिचुएशन है कि अच्छे हैं और तीसरी सिचुएशन है कि बस ऐसी बातें बनी हुई हैं। तीन नाम आपके पास हैं, अली सेठी, उमैर जसवाल और दानियाल जफर। तो इनमें से बहुत अच्छे कौन हैं? अली सेठी। बहुत अच्छे में आगे अली सेठी। अच्छे हैं के अंदर कौन है? अच्छे हैं के अंदर दानियाल जफर। दानियाल जफर जो है वो अच्छे हैं और जो बस बातें बनी हुई हैं वो उमैर जसवाल हैं। जैसे आपने कहा, जैसा इन्होंने पुट किया। जहाज में सफर कर रहे हैं, कनाडा तक की फ्लाइट है और आपने 7 वाली सीट बुक करवाई हुई थी। अब आप देखते हैं कि कुछ ओवरलोडिंग सी होगी और कुछ लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि अगर आप हमें मौका दे दें अपने साथ बिठाने का तो इनमें से किसको आप अपने साथ बिठाना चाहेंगे? राना सनाउल्ला, साहिर लोधी और फिरदौस आशिकवान। साहिर लोधी। साहिर लोधी को क्यों? और रास्ते का पता नहीं। एंटरटेनमेंट साथ साथ चलती जाएगी। बहुत सारी तालियां इनके लिए। लाला जी स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं आप। अच्छा, आपके साथ आज ड्राइवर नहीं है, आप खुद ड्राइव कर रहे हैं, साथ में सिर्फ एक ही सीट है और मियाँ वाली तक का सफर है, आप अकेले ही निकल पड़े हैं। सॉफ्ट टॉप वाली स्पोर्ट्स कार है, बाल भी हल्के हल्के आपके उड़ रहे हैं हवा से और आप देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। इनमें से किसको लिफ्ट देना चाहेंगे आप? मारवी मेमन, आयशा गुलेलई और नाज बलोच। नाज बलोच। जहाज से जंप करना पड़ गया आपको, 2 पैराशूट थे, एक पैराशूट आपने खुद पहन। मैं तो पहले ही जहाज तो बहुत डरता हूं। चले लाला जी छोड़ दें, कश्ती डूब रही है, 2 लाइफ जैकेट थी, एक आसमान से गिरा खजूर में। नहीं लाला जी फिक्शनल है सवाल पूरा। अच्छा, कश्ती डूब रही है, 2 लाइफ जैकेट से जहाज ठीक है, एक आपने पहन ली है, दूसरी लाइफ जैकेट आप किसी को दे सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किसको देना चाहेंगे? चौधरी सरवर या शाह महमूद कुरैशी? शाह महमूद कुरैशी। कुछ फोन अनलॉक पड़े मिलते हैं आपको, तो आप किसी का फोन देख सकते हैं उनमें से बगैर किसी को पता चले, तो आप किसका फोन चेक करना चाहेंगे? इमरान खान साहब, फैसल वाडा या फिर अली अमीन गंडापुर? अली अमीन का। फिल्म में हीरो आने का मौका मिल गया है दोबारा एक बार, किसके साथ हीरो आना चाहेंगे इनमें से? रीमा, मीरा या फिर नरगिस? रीमा। अगर मैं इस लिस्ट के अंदर सायमा जी का नाम डाल दूं तो फिर मैं उसके साथ जाता। मिस सब्जा किसको सुनना पसंद करते हैं? मोहतरमा आबिदा परवीन, साईं जहूर साहब या पठाने खान? आबिदा परवीन। बहुत सारी तालियां लाला के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया लाला सांवल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सर एक सिंगर हमारे पास भी जबरदस्त सा मौजूद है, तो आए ना भाई फिर जरा।